तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो दूर हो दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरत आप सुन रहे हैं रजवी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट। यहाँ से मसलके आला हजरत और हुजूर ताजु शरिया को मानने वाले उलमाए कराम व शोरा इस्लाम की नाते पाक और अकायद को संवारने वाली तकारीर अपलोड की जाती है। ख्याल रहे कि यहाँ पर किसी भी जानदार की तस्वीर और वीडियो अपलोड नहीं की जाती। आप हजरात अपने यहाँ के कॉन्फ्रेंस जलसे की रिकॉर्डिंग यहाँ अपलोड करवा सकते हैं। अपलोड करवाने के लिए इनसे रब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रजवी, व्हाट्सएप नंबर 7878574416। आज़ो अंदाज के बहुत बड़े सागर हैं। इन्होंने बहुत कम वक्तों में मजमे में एक गजब सी हलचल बपा कर रखी है। शायर ने बहुत पहले कहा था कि मोहम्मद की सना हर रात की तफसील करते हैं, कभी जुगनू कभी तारे कभी किंदील करते हैं। सुना है मैंने जो हस्सान का नगमा सुनाता है, दुआएं उसके हक में हजरते जिब्रील, दुआएं उसके हक में हजरते जिब्रील करते हैं। जब हजरते अल्लामा इब्राहिम रजा साहब क़िबला गुफ्तगू फरमा रहे थे तो जमात अहले सुन्नत के दो नब्बास बावकार काबिले कद्र कद्दावर शख्सियतों के मालिक, बर्फ को पसीना छोड़ा देने वाले मुनफरिद लबो लहजे के आलिम तशरीफ लाए। एक हजरत अल्लामा उस्तादुल मुकर्रम मोहम्मद फारूक साहब रिजवी, दूसरे शेरे समस्तीपुर हजरत अल्लामा अलहाज कारी मुती रहमान साहब क़िबला। इनके आने से गजब की रानाइयां बपा हुई हैं, एक गजब का शऊर मजमे में आया है। इनका आना बाई से तस्कीन लगता है मुझे, अब ये मौसम और भी रंगीन लगता है मुझे। इसलिए कि ये हजरात करें बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। हजरत कारी रियाज साहब एक शेर कह रहे थे माँ के हवाले से, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने नवाजा भी। एक शेर मैं भी कहता हूँ और आप हजरत की दुआ चाहता हूँ, खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ, मोहब्बत के साथ बोलिए या रसूलल्लाह। शेर की नाजुकी को देखेंगे प्लस पॉइंट उसकी बलागत को भी मुलाहिज़ा करेंगे कि हुस्न वालों की तबीयत से हया निकली है। देखेंगे देखेंगे, हुस्न वालों की तबीयत से हया निकली है, इश्क की का खौफ इश्क की खाक से खुशबुए वफा निकली है। चाहे आराम दे तकलीफ दे उसका बेटा, माँ के दिल से तो हमेशा ही दुआ निकली है। चाहे आराम दे तकलीफ दे उसका बेटा, चाहे आराम दे तकलीफ दे उसका बेटा, माँ के दिल से तो हमेशा ही दुआ निकली है। बाबू अफरोज साहब ऐसे ऐसे एक एक करके दे रहे थे, जानते हैं इससे बड़ा अभी तक नोट देखने को नहीं मिला। हजरत दिल्ली में एक बार जाने का मौका हुआ निकाबत के लिए, वहां गया मैंने कहा रे भैया बिहार में बोलता हूँ जगह जगह तो सब लोग 10 का नोट लाते हैं, अभी मैं इंडिया के कैपिटल में बोल रहा हूँ, राजधानी में बोल रहा हूँ, इससे बड़ा तो कोई नोट ला के दिखाओ। देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये 50 है। लेकिन सुनिए कहानी बात आ गई है तो अल्लाह आपको सलामत रखे। चुनांचे मैंने कहा इससे बड़ा कोई नोट ला के दिखाओ, और सही बात भी हजरत इसको बंद भी कर देना चाहिए, इसलिए कि बहुत नुकसान हम लोगों का होता है, कहीं हो ना हो जलसा में तो बहुत ज्यादा हो जाता है। चुनांचे कोई नहीं आया, एक बूढ़ा लाठी लेके टेकता हुआ 100 का नोट दिखाया, तबीयत बाग बाग हुई और दिल की तमाम तर रानाइयों को एक नया बागपन मिला। मैंने नारा लगाया और दुआएं दी, फिर भी देखा कि बूढ़ा वही जगह खड़ा है। मैंने कहा क्या बात है भैया क्यों खड़े हो, अब तो जाओ। कहा बुद्धू समझ रहे हैं क्या, 10 रुपया काट के 90 रुपया हमारे हवाले कर दीजिए। तो हजरात कभी कभी ये हादसा भी होता है, मगर कभी कभी मजा आता है जैसे सोने पे सुहागा। लेकिन देखिएगा देख लेते हैं अभी ठीक ठाक है,
ये इसका भी काफी खतरा होता है, वरना एक आदमी मजाक उड़ाने के लिए कह रहा था चल गया भाई चल गया चल गया भाई चल गया। मैंने पूछा क्या चल गया, का जो नोट किसी मार्केट में नहीं चला, किसी दुकान में नहीं चला, मौलाना के पास आके चल गया। भैया चला थोड़ी, तूने चला दिया है। यहाँ मोहब्बत के साथ कहिए या रसूल अल्लाह, हुस्न वालों की तबीयत से हया निकली है, इसकी खाक से खुशबूए वफा निकली है, चाहे आराम दे तकलीफ दे उसका बेटा, माँ के दिल से तो हमेशा ही दुआ निकली है। एक शेर हजरत अल्लामा फारूक साहब रिजवी, मेरा एक छोटा भाई है अली रजा फारूकी मौलाना, अल्लाह सलामत रखे, बड़े काबिल आलिम है, बहुत कम वक्तों में बहुत सारी शोहरतों से अल्लाह ने नवाजा है, माँ बाप के बड़े वफादार हैं, दुआ फरमाइए कि नेमत के अवज वो कभी उजरत नहीं, दुनिया से कभी हसबे जरूरत नहीं मांगी, ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी, ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर। तवज्जो का मतलब ये नहीं होता कि नोटे दीजिए हजरत, तवज्जो का मतलब ये नहीं होता है। एक जगह मुशायरा हो रहा था, बड़े बड़े शायर आए हुए थे, चीफ गेस्ट के रूप में एक मंत्री महाराज विराजमान थे, आए हुए थे। जब प्रोग्राम खत्म हो गया, इख्तिताम पजीर हुआ, तो मंत्री जी को बुलाया गया कि आप भी थोड़ा भाषण वाषण स्टेज पे मंच पे आके दे दीजिए, संबोधित कीजिए मजमा को। मंत्री जी आए और कहने लगे मुशायरा बहुत कामयाब हुआ, बड़े बड़े मुशायर भी बुलाए, यानी इतना बड़ा जाहिल था कि उसको शायर नहीं कहने आता था, मुशायर कहता। जाहिर सी बात है नेता आज हमारे यहाँ कैसा है, एक शायर ने कहा था आजकल इलेक्शन की कुछ ऐसी हवा है, मेरे गाँव का बुधवा भी इलेक्शन में खड़ा है, एक है बेटा तो दूसरा बाप है, फजल खुदा से दोनों ही अंगूठा छाप है। तो ऐसा ऐसा नेता है। चुनांचे उसने कहा कि मुशायरा बड़ा अच्छा हुआ, बड़े बड़े मुशायर बुलाए गए और हर हर मुशायर ने हमसे एक तवज्जो मांगी, हमारे पास अभी नहीं है, मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हर हर मुशायर को एक एक तवज्जो दे दी जाए। हजरत ये मतलब नहीं है, हजरत अल्लामा इब्राहिम रजा चतुर्वेदी इश्क़े रसूल के हवाले से बड़ी कामयाब गुफ्तगु फरमा रहे थे, शेर जहन के खाके में आ रहा था कि बन चुकी जब तरी तस्वीरें जमीन, अहले इल्म अदब के हवाले से, बन चुकी जब तरी तस्वीरें जमीन, शगल तस्वीर गरी छोड़ दिया, और कह के अकमल तो लकुम दीन कुम इस फख्र के साथ, दानिश्ता मुसव्विर ने कलम तोड़ दिया, कलम तोड़ दिया। बात आगे बढ़ती है, एक मुसव्विर था बहुत अपने हुनर में यक्ता, पेश कर रहा हूँ नज्म का उन्वान है तस्वीर आका, जरा देखेंगे। एक मुसव्विर था बहुत अपने हुनर में यक्ता, सुन के आवाज वो तस्वीर बना देता था। एक दिन मैंने बसदनाज ये चुपके से कहा, एक तस्वीर शहंशाह दो आलम की बना, ऐसी तस्वीर के जिसमें नुमाया हो हर बार, जिसमें जाहिर हो शहंशाह दो आलम की सिफात, उनके किरदार के हर जाहिर बातिन आला। जरा मुसव्विर को देखेंगे, क्या मुसव्विर था, जब वाकिफ असरार था वो, उम्मत का बड़ा मुनिसो गमखार था वो, साहबे वक्त था और साहबे किरदार था वो, अलगरज सोचता हूँ कितना समझदार। एक दिन उसने दिखाई शहे लौलाक निशान, जरा सा देखिए बाबा, सिर्फ वही बोलिएगा सुभान अल्लाह, शाहपुर में कि यहाँ भी बोलिएगा। एक दिन उसने दिखाई शहे लौलाक निशान, रख दिया लाके मेरे सामने उसने, आयशा का कौर के काना फुल फुल देखें। एक दिन उसने दिखाई शहल औलाद की शान, रख दिया लाके मेरे सामने उसने कुरान, मुझसे कहने लगा लो देख लो तस्वीर है ये, मुझसे कहने लगा लो देख लो तस्वीर है ये, जिसकी तफसीर है आका वही तहरीर है ये, जिसमें यासी है कहीं तो कहीं ताहा है, वल्लैल है वशम्स वदुहा, तो कहीं कहा है वल्लैल है वशम्स वदुहा है, पर्दे आयात से जब मैंने नबी को देखा, मुंह से बेसाख्ता उस वक्त मेरे ये निकला, मरहबा या सैयदी मक्की मदनीयुल अरबी, दिलो जहां फिदा करदम बरतोरा लकबी। देखेंगे अल्लाह की सरदाबा कदम शान, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, आ गए आज जमाने में वो रहमत बनकर, लाए तस्वीर को कोई एक जिंदा हकीकत बनकर, आज इस शान का महबूब न देखा न सुना, मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। मोहब्बत के साथ हजरत, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, गुफ्तगु आ गई थी इसलिए मैंने नज्म आपको सुना दिया है। इस वक्त चूंकि सदर इजलास का वक्त है, सदर इजलास आपने सुना है मोहताज तारुफ भी नहीं है,
यकीनन समस्तीपुर की सरजमीन पर दीनो सुन्नियत का रजवी और चिश्ती रंग लेकर और अशरफी रंग लेकर अगर कोई मुजाहिदे दौरा है, उस मुजाहिदे दौरा का नाम कारी मुतीउर रहमान साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी है। दुश्मनों के लिए आफत, उस आफत और मुसीबत का कोई नाम है तो उसका नाम कारी मुतीउर रहमान साहब क़िबला है। दुश्मनों को, मुखालिफों को दंदाने शिकन जवाब देने वाली किसी माकूल हस्ती का नाम है तो उसका नाम कारी मुतीउर रहमान साहब क़िबला है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि हजरत की उम्र में बेपनाह बेपनाह इजाफा अता फरमाए, उम्र खिज्र अता फरमाए। तशरीफ ला रहे हैं, पूरा मजमा मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा आप लोग वहीं रहिएगा, कितने लोगों को ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत है जरा सा उनके नाम पे आ जाइए, देखते हैं कितने ख्वाजा के दीवाने हैं। यकीनन जो ख्वाजा गरीब नवाज के दीवाने होंगे, आला हजरत के मस्ताने होंगे, अपने माँ बाप से मोहब्बत करने वाले होंगे, नबी मुस्तफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने वाले होंगे, यकीनन आएंगे, आ रहे हैं माशाल्लाह। कुछ लोग सोच रहे हैं मगर आएंगे जरूर, इसलिए कि दिल कौन ऐसा दिल है जो उनकी याद से मामूर नहीं है, कौन ऐसा जिगर है जिसमें मुस्तफा की धड़कन नहीं है, कौन ऐसा सीना है जो नबी की मोहब्बत का मदीना नहीं है। यकीनन आएंगे, आ रहे हैं। निजाम भाई सोच रहे हैं, असल में इनकी लड़की की शादी भी है, कई तरह का टेंशन होगा। दो चार रोज के बाद अल्लाह सलामत रखे उनकी लड़की की शादी बहुस्न खूबी हो जाए। दो शेर निजाम भाई के हवाले से मैं करता हूँ, फिर हजरत को बुलाता हूँ उनकी शहजादी के हवाले से कि या रब रसूल पाक की खेती हरी रहे। खाली जो लोग बिरयानी खाएंगे सब लोग दुआ दीजिएगा, जो लोग इनसे मोहब्बत करते हैं सब लोग कि या रब रसूल पाक की खेती हरी रहे, टीके से मांग और बच्चे से गोदी भरी रहे, टीके से मांग और बच्चे से गोदी भरी रहे। गुजरे जो जिंदगी तेरी शौहर के हुक्म पर, दुनिया ता आखरत तेरी इज्जत बढ़ी रहे, दुनिया ता आखरत तेरी इज्जत बढ़ी रहे। हजरत का इस्तकबाल कर ले, नारे तकबीर, थोड़ा सा और जोर लगा दीजिए ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शेरे समस्तीपुर, हजरत अल्लामा अलहाज कारी मुतीउर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जान आ रहे हैं, जाने बहार आ रहे हैं, हम सब के दिल के चैनों करार आ रहे हैं, वक्त की किल्लत है मुख्तसर, खिताबत के ये सुपर स्टार। الفاتحه على روح النبي الكريم عليه الصلاه والتسليم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله واصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته واحبابه اجمعين آمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ
الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأحبابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آئیے ہم اور آپ سبھی مل کر خلوص و عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا چارہ ساز درد مندہ انیسے بے کساں سیاہ لامکاں جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ میں بھی برکت حاصل کرنے کے لیے نعت پاک کے چند بند نوازش کرم محبت میرے استاذ المکرم حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ قیصر اشرفی مصباحی بہرائچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھے ہوئے نعت پاک کے چند بند حضور اپنی محبت کی میں پلا دینا حضور اپنی محبت پلا دینا غم جہان میرے قلب سے مٹا دینا غم جہان میرے قلب سے مٹا دینا شعر سماعت فرمائیں نوازش محبتیں میں جان دیتا ہوں دی دار شاہ کی میں جان دیتا ہوں دیدار شاہ کی خاطر نقاب شمس سے اٹھا واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ نقاب چہرے وا شمس سے اٹھا دینا حضور اپنی
महाबत की मैं पिला देना। शेर समाप्त फरमाए। नवाजिश नवाजिश करम। मसीहा और कोई ढूंढने कहाँ आए है, आए है, आए है, आए है। हबीबी या रसूल अल्लाह, मसीहा और कोई ढूंढने कहाँ जाए। तुम्ही दवा देना, आका तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना। फिर पढ़िए जरा इस शेर को, इस शेर को फिर पढ़िए। मसीहा ढूंढने कहाँ जाए, तुम्हीने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना। हुजूर अपनी महाबत की मैं पिला देना। मक्ता पेश है जमान। नवाजिश नवाजिश मोहब्बतें। हुजूर अप महाबत की मैं पिला देना। मैदाने महशर का नक्शा खींचा है हजरत ने, दुआ फरमाए परवरदिगार आलम उनकी मरकत पे अनवारो रहमत की खूब बरखा बरसाए और उनके इश्क और मोहब्बत का छींटा हमें भी अता फरमाए। आमीन आमीन। न करना कहे सरे आसी को रुसवा महेशर में, न करना अहे करे आसी को रुस व महेशर में, न करना अहे करे आसी को रुस व महेशर में, साबे हशर से पहले ही बख्शवा देना। हिसाबे हशर से पहले ही बख्शवा महाबत की मैं पिला देना।
गमे जहान मेरे कल्ब से मिटा देना। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह या नूर अल्लाह। गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नजर कुन सुए माँ आका यक नजर कुन सुए माँ। हम पे अहमद का हुसाया हम पे अशरफ का करम सैयदी मुख्तार अशरफ बासफा के वास्ते। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया मेरे बुजुर्गों और दोस्तों नौजवान साथियों अजीज बच्चों पर्दा नशीन ख्वातीन इस्लाम मेरी माएं और बहनें अल्लाह पाक का बेपाया करम है शुक्र है एहसान है कि उसने हम सबको आज के इस पाकीजा इजलास यानी रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में हाजिरी की सआदत अता फरमाई। परवरदिगार आलम अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके और वसीले से हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और हम सबों के लिए इस पाको पवित्र मजलिस को जरिया नजात बनाए। आमीन बजाहिन नबील करीम अलैहि सलातु व तस्लीम। यहाँ के सारे अराकीन मुंतजमीन बड़े मुबारकबाद हैं और बिलखसूस इस महल्ले के इमाम, इन्होंने जो मेहनत और काविश की है और इनके हुक्म पर इशारे अबरू पर यहाँ के बूढ़ों ने बच्चों ने ख्वातीन ने इस इजलास में दामे दिर में कदमे सुखने जो भी तावुन किया है परवरदिगार आलम अपने महबूब के वसीले से कबूल व मकबूल फरमाए और सबों के लिए इसको जरिया नजात बनाए। आमीन बजाहिन नबील करीम अलैहि सलातु व तस्लीम। मेरे दोस्तों जहां आप सारे हजरात हैं खुशी की बात है कि यूनिसेफ के जिला के एक बहुत बड़े अफसर जनाब सैयद मजहरुल हक साहब यहां तशरीफ फरमा है सरे शाम से अब तक यहां बैठे हैं। बड़ी खुशी की बात है जबकि और जगह शायद के ये पहुंचते हों या न पहुंचते हों यहाँ कई रोज पहले से तस्करा करके कि वहाँ रहमत आलम कॉन्फ्रेंस है मैं भी शिरकत करना चाहता हूँ। देखिए सामने तशरीफ फरमा है सैयद मजहरुल हक साहब बड़े उलमा से मोहब्बत करने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह और ऐसी ऐसी मजलिसों में हाजिरी देते हैं। परवरदिगार आलम इनकी हाजिरी को भी कबूल फरमाए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत व अकीदत अता फरमाए। आमीन बजाहिन नबील करीम अलैहि सलातु व तस्लीम। मेरे दोस्तों मैं यही कह के रुखसत हो रहा हूँ चूंकि वक्त की किल्लत दामनगीर है और हमारे बुजुर्ग उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना फारूक रज़ीउल क़ादरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी जलवा बार है इनके सामने लब कुशाई करना बेअदबी है लेकिन हजरत का हुक्म है अल अमरु फौकल अदब के तहत हाजिर आया हूँ। यही कह के रुखसत हो रहा हूँ चूंकि रहमत आलम कॉन्फ्रेंस है। शायर कहता है वो हर आलम के रहमत है किसी आलम में रह जाते वो हर आलम के रहमत है एक दो आलम नहीं 18,000 आलम है 18,000 आलम है। और अल्लाह ने भी यही कुरान में फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतल्लिल आलमीन। महबूब हमने आपको हर आलम के लिए 18,000 आलम के लिए रहम करने वाला नबी बनाकर भेजा है। सुभान अल्लाह रहम करने वाला नबी बनाकर भेजा है।
तो शायर कहता है वो हर आलम के रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। परवरदिगार आलम हम सबको रहमत आलम का सदका अता फरमाए, जब तक दुनिया में जिंदा रखे रहमत आलम की मोहब्बत में जिंदा रखे, और जब दुनिया से उठाए रहमत आलम की मोहब्बत में उठाए। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह। हजरात आप सुन रहे हैं रजवी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट बफैज़े रूहानी हजरत अल्लामा व मौलाना अलहाज अश्शाह हुसैन अहमद रजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। नशर किया जाता है जहां उलमाए अहले सुन्नत बरेलवी के बयानात, शोराए इकराम की नातें अपलोड होती हैं। यहाँ किसी भी जानदार की तस्वीर नहीं अपलोड होती। आप भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ के मजहबी प्रोग्राम यहाँ अपलोड हो तो हमसे रब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रजवी, व्हाट्सएप नंबर 07878875744416।